हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग हमारा फाइनल चैप्टर देखने वाले इस लॉ के सिलेबस का, दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ओके, तो बच्चों बेसिकली अगर आप इस एक्ट का नाम देखोगे तो ये क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ओके, तो इसके अंदर क्या होगा, अगर मैं मोटा मोटा देखने जाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। तो जो आपके गुड्स होते हैं उसे जब आप लोग सेल करते हो, ओके, तो उसे रेगुलेट करने वाला कोई एक्ट होगा, तो वो एक्ट कौन सा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ओके, तो जो भी आपके गुड्स सेलिंग के, परचेसिंग के ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें रेगुलेट करने वाला कोई एक्ट होगा, तो दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है। ओके, आई होप सबको ये पता तो होगा ही कि नाम से देख के समझ रहे हैं ना बच्चों, पहले से पता होना इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट जब आप लोग ये नाम देख रहे हो तो नाम से तो भाई यही समझ में आता है। तो याद रखना, पहले ये जो एक्ट था ये अप्लाई कहां पे होता था, तो ये होल इंडिया में अप्लाई होता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ओके, जम्मू एंड कश्मीर में ये एक्ट अप्लाई नहीं होता था, बट आर्टिकल 370 हटाया गया, और आर्टिकल 370 ए हटाने के बाद से आप ऐसा मान के चलना अब ये अप्लाई होते हैं पूरे होल इंडिया में। ओके, अब जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लाई होता है, बट क्योंकि अभी भी हमारे सिलेबस में ये बात नहीं डाली है आर्टिकल 370 ए की, तो हम अभी ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे लिखा गया है। अप्लाई कहां पे हो रहा है, होल इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में ये एक्ट की प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे। ओके, अब बेसिकली वैसे तो अब वहां पे भी अप्लाई होने लग गया है जब से आर्टिकल 370A हटा है तब से। ओके, तो बच्चों ये आर्टिकल 370A क्या था, कुछ नहीं, स्पेशल प्रिविलेजेस दे के रखे थे जम्मू एंड कश्मीर को। तो उससे होता क्या था, कोई भी एक्ट पूरे इंडिया में अप्लाई हो सकता था, बट जब तक जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट उसे असेंट ना दे तब तक वो एक्ट वहां पे अप्लाई नहीं होता था। तो जम्मू एंड कश्मीर ने काफी सारे एक्ट को असेंट दिया ही नहीं, तो उसकी वजह से बहुत सारे एक्ट ऐसे थे जो पहले जम्मू एंड कश्मीर में लगते ही नहीं थे बल्कि पूरे इंडिया में लगते थे। बट जब ये आर्टिकल 370 मोदी गवर्नमेंट ने हटा दिया, तो उसके बाद से क्या हो गया बच्चों, उसके बाद से आप पकड़ के चलना कि सारे एक्ट्स वहां पे अप्लाई होने लग चुके हैं। ओके, बट हमारे यहाँ पे दिया नहीं है तो हम इतना डिटेल में उस पर डिस्कशन नहीं करते। तो याद रखना, ये अप्लाई आज के सिलेबस के हिसाब से कहाँ कहाँ पे होता है, तो ये पूरे इंडिया में अप्लाई होगा, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होगा। ओके, और बच्चों ये एक्ट इंप्लीमेंट कब हुआ, ओके, तो 1 जुलाई 1930 को ये एक्ट जो है वो आपका इंप्लीमेंट हो गया। 1 जुलाई 1930 को जाके ये वाला जो आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ये फोर्स में आया, इंप्लीमेंटेशन में आया। ओके, तो ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है बच्चों, तो इसमें बेसिक मुद्दे जो आपको जानने जैसे हैं वो मैंने आपको इलैबोरेट कर दिया, और ये इंट्रोडक्शन का मैंने काम खत्म कर दिया। दिस इज योर इंट्रोडक्शन। ओके, और वन थिंग आई शुड टेल यू दैट बच्चों, ये बहुत ही मजेदार चैप्टर है। ओके, इसके लैंग्वेज इट कैन बी लिटिल बिट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट हो सकती है इसके लैंग्वेज, बट आप ऐसा मान के चलना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये आपको जरूर जरूर बहुत सी बातें सिखाएगा, और इसकी चीजें याद रखने जैसी होती है क्योंकि इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन आपको इजीली ग्रास्प होंगे, ऐसा मुझे लगता है। ओके, तो याद रखना, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के बारे में हमने क्या बोला, अप्लाई कहां पे हो रहा है, होल इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, बट आर्टिकल 370 के हटने के बाद पूरे इंडिया में अप्लाई हो रहा है, और इंप्लीमेंट कब से हुआ, तो ये 1 जुलाई 1930 से क्या हो चुका है बच्चों, तो ये इंप्लीमेंट हो चुका है। ओके, तो दिस वॉज अबाउट योर इंट्रोडक्शन। अब जरा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। हर एक्ट में आपको कुछ डेफिनेशंस देखने मिलती है, जो चीजें रिकरिंगली आपको बार 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 ओवरकम आए, या मैं बोलूंगा बार 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 आपके सामने आने लगेगी, तो आप लोगों को वो चीजों की पहले से ही डेफिनेशन दे दी जाती है। ओके, जैसे बहुत से टर्म्स होते हैं जो आपके सामने फ्रिक्वेंटली आने लगते हैं, तो भाई उसे कम करने के लिए ये लोग क्या कर देते बताना, डेफिनेशंस निकाल के दे देते हैं। ओके, तो हम लोग अब यहाँ पे एक एक करके डेफिनेशंस देखने वाले हैं
कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, तो प्लीज बी फोकस्ड। ओके, डेफिनेशंस। तो डेफिनेशन में सबसे पहली डेफिनेशन हम लोग देख रहे हैं बायर की। ओके, बायर। तो बेटा बायर कौन होता है? तो सिंपली अगर मैं आपको पूछूं बेटा हु इज द बायर, तो आप जवाब दोगे सर जिस बंदे ने गुड्स परचेस किया, जिस बंदे ने गुड्स खरीदी किया उसको बायर बोलने का। ये आपका कॉमन सेंस आपको जवाब दे देगा, है ना? बायर का मीनिंग तो यही होता है। बट अगर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के एंगल से मुझे अगर कोई पूछेगा कि बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायर, तो मैं बोलूंगा दो चीजें होती है भाई, हु बाइज द गुड्स, हु बाइज द गुड्स और अग्रीज टू बाय द गुड्स, अग्रीज टू बाय द गुड्स, उसे हम लोग क्या बोलने वाले हैं? बायर बोलने वाले। तो जनरलाइज लेवल पे बच्चों, हम लोगों को कोई बायर पूछ लेता है तो हम तो इतना ही बोलते हैं जिसने गुड्स परचेस किया वो बायर है। बट जब आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के डेफिनेशंस देखोगे तो वहां बायर को कैसे डिफाइन किया है बच्चों? एक तो वो जिसने बाय कर लिए है गुड्स, या फिर हु अग्रीज टू बाय द गुड्स। ओके, मीनिंग बहुत गहरा है। देखो, हु बाइज द गुड्स का मतलब जिसने प्रेजेंट में गुड्स परचेस कर लिए, जिसने अभी अभी गुड्स परचेस कर लिए। ओके, और अग्रीज टू बाय द गुड्स का मतलब होता है जो फ्यूचर में परचेस करने वाला है। ओके, जो बंदा फ्यूचर में परचेस करेगा उस भी बंदे को आप लोग आज के डेट में क्या बोलते हो? बायर बोलने लग जाते हो। ओके, मतलब जो बंदे ने अभी परचेस कर लिया वो तो बायर हुआ ही हुआ, और जो अग्री कर रहा है कि मैं फ्यूचर में गुड्स परचेस करूंगा, तो वो भी बंदा एज पर द सोगा क्या बनने वाला है? बायर बनने वाला है। ओके, तो चलो देख लेते। बायर मीन्स अ पर्सन हु बाइज और अग्रीज टू बाय गुड्स। तो ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 की देन है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ने ऐसे डिफाइन करके रखा हुआ है आपके बायर को, जो बंदा बाय कर रहा है गुड्स या फिर जो अग्री टू बाय कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या नाम देने वाले? बायर नाम देने वाले हैं। आई होप सबके दिमाग में गया होगा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर व्हाट? बायर। ओके, वैसे ही आपको और एक एक टर्म यहां पे बार बार देखना पड़ेगा, एंड दैट इज नथिंग बट द सेलर। ओके, सेलर भी हमें बार बार देखना पड़ेगा। और सेलर का डेफिनेशन क्या है? एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ बायर, द पर्सन हु सेल्स द गुड्स और हु अग्रीज टू सेल द गुड, अग्रीज टू सेल द गुड्स। ओके, तो उसे आप लोग क्या नाम देने वाले हो बच्चों? तो उसे आप लोग सेलर नाम देने वाले हो। तो बोलने का मतलब ये हुआ टोटली अपोजिट है आपके बायर के। बायर का मतलब जो खुद परचेस कर रहा है या परचेस करने वाला होगा उसके लिए एग्रीमेंट कर लेता है, वो बायर होता है। और सेलर कौन? जो सेल कर देता है या फिर फ्यूचर में सेल करने वाला होगा उसे आप लोग सेलर बोलोगे। तो वही बात हो गई, जिसने प्रेजेंट में सेल कर दिया वो हो सकता है सेलर, या फिर जो बंदा फ्यूचर में सेल करने वाला होगा उसे भी आप लोग क्या नाम देने वाले हो? सेलर नाम दोगे। ठीक है, देखो, सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल्स अ गुड, मतलब जो सेल कर रहा है या अग्री कर रहा है सेल करने के लिए। और ये डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 के अंदर। ओके, तुक्के मत मारना, आप बायर का 2 सबसेक्शन 1 तो सेलर का 2 सबसेक्शन 2 ऐसा करके मत बैठ जाना, थोड़ा सा केयरफुल रहना, और नहीं जेपता तो फिर सेक्शन के नादी मत लगना। ओके, तो ये दो हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखी है। तो आपको बस मुझे इतना ही जताना है कि भाई बायर परचेसर से वो नहीं होता जो अभी अभी परचेस करके आ रहा, अभी अभी सेल कर दिया, उसी को नहीं बोलते। जो बंदा अग्रीमेंट कर रहा है कि मैं सेल करूंगा, मैं परचेस करूंगा, उसे भी बायर और सेलर बोला जाएगा। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। सोगा जो है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो वाइड थिंकिंग रखता है, वो बड़ी सोच रखता है, तो उसके हिसाब से उसके डेफिनेशन भी जो है वो वाइड होने लग जाती है। आई होप यहां तक तो दिमाग में गया ही होगा। ओके, इंट्रोडक्शन हमने देखा था,
पूरे इंडिया में लगता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ये आर्टिकल 370A के अप्लाई होने के बाद से पूरे जम्मू एंड कश्मीर पे भी ये अप्लाई होने लग गया है। इंप्लीमेंट कब से हुआ? 1 जुलाई 1930 से। फिर हमने डेफिनेशन देखी बायर की, जो दी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 के अंदर। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायर? द पर्सन हु बाइज द गुड्स और अग्रीज टू बाई द गुड्स। सेलर कौन होता है? द पर्सन हु सेल्स द गुड्स और अग्रीज टू सेल्स द गुड्स, ही विल बी कॉल्ड एज सेलर एंड बायर। आई होप सबके दिमाग में गया है। ओके, अब बचो इससे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे इस पर्टिकुलर एक्ट का नाम क्या है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज होंगी तो वो है आपके गुड्स। ओके, तो गुड्स को डिफाइन किया है आपके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। ओके, तो क्या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ने इसे डिफाइन किया है गुड्स को? तो प्लीज प्लीज बी फोकस्ड, ये आपको गुड्स का डेफिनेशन देखना काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये गुड्स का डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है, तो आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। याद रखना सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 है जो गुड्स का आपको डेफिनेशन देगा। ओके, गुड्स मींस एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम इंक्लूडिंग ग्रोविंग क्रॉप्स, ग्रास और थिंग्स अटैच टू अर्थ, थिंग्स अटैच टू अर्थ विच हैज टू बी सीवर्ड बिफोर सेल और अग्रीमेंट टू सेल। ओके, तो ये इतना बड़ा डेफिनेशन है आपके गुड्स का। ओके, तो बच्चों ये एग्जैक्टली क्या डेफिनेशन है, प्लीज ध्यान से सुनना। गुड्स को डिफाइन किया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ योर व्हाट? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ने। तो ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या बोलता है कि गुड्स का मतलब है एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। याद रखो किसी भी टाइप की मूवेबल प्रॉपर्टी को आप लोग गुड्स बोलते हो। मूवेबल का मतलब होता है जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हो, बस वही गुड्स बन सकता। याद रखना सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी ही क्या बन सकते हैं? गुड्स बन सकती। तो मैं अगर इसका उल्टा मीनिंग देखूं तो बेटा जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये गुड्स नहीं बन सकती, ये गुड्स नहीं बन सकती है, क्योंकि गुड्स का डेफिनेशन ही क्या बोलता है? गुड्स मीन्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। किसी भी टाइप की मूवेबल प्रॉपर्टी को ही आप लोग क्या नाम देने वाले? गुड्स नाम दोगे। तो इसका मीनिंग साफ हो गया, जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो आपके गुड्स कहलाने लायक नहीं होती है। आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी कभी भी गुड्स नहीं होगी, इस बात का आप लोग प्रॉपरली ख्याल रखना। इमूवेबल प्रॉपर्टी बोले तो क्या? जिसे आप कभी हिला नहीं सकते हो, सरका नहीं सकते हो, जैसे लैंड हो गया, जैसे बिल्डिंग हो गया, ये इमूवेबल प्रॉपर्टीज है। इसे आप सरका नहीं सकते हो, मूव नहीं कर सकते हो एक जगह से दूसरे जगह पे, तो इन्हें गुड्स बोला जाएगा क्या? तो जवाब है नहीं। तो गुड्स का मीनिंग बहुत स्पेसिफाइड है, गुड्स का मतलब सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। तो अगर कभी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात चल रही तो आप याद रखना वहां पे आपका सोगा जो है, सोगा सो जाएगा, अप्लाई होगा ही नहीं। बात समझ में आई आपको? आई होप सबके दिमाग में गया होगा। ओके, गुड्स का मीनिंग क्या देखा? एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, अदर देन, हर टाइप की मूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स बोलेंगे लेकिन इनको छोड़ के। मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो मूवेबल तो है बट इन्हें गुड्स नहीं बोलने वाले। तो उसमें सबसे पहला आता है पैसा, मनी। बेटा पैसा बोले तो आपकी 10 की नोट, 100 की नोट, 2000 की नोट। ओके,
तो बेटा ये जो चीजें है, ये जो मनी है, ये मूवेबल है, ओके, और ये प्रॉपर्टी भी होती है। तो क्या मनी को गुड्स बोल देंगे क्या? जी नहीं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ने पहले बोला अदर देन मनी। मनी भले ही मूवेबल है, मनी भले ही प्रॉपर्टी है, बट इसे आप लोग गुड्स नहीं बोलने वाले, ओके। तो गुड्स नहीं रहेगी कौन? मनी, ये चीज याद रखना। और कौन गुड्स नहीं रहेगा? तो बेटा एक्शनेबल क्लेम, ओके। अब ये एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? तो याद रखना, अनसेक्योर्ड लोन या आपका अनसेक्योर्ड डेब्ट, फॉर द रिकवरी ऑफ विच, फॉर द रिकवरी ऑफ विच एक्शन हैज टू बी टेकन। एक्शन हैज टू बी टेकन मतलब एक्शनेबल क्लेम का ये होता है बच्चों कि आपका ऐसा डेब्ट है, मतलब ऐसे पैसे आपको आने बाकी है जो आ सकते हैं लेकिन कोई एक्शन लेने के बाद ही आएंगे, तो उसे बोला जाता है एक्शनेबल क्लेम। जैसा कोई बंदे से मुझे पैसा निकालना है, पैसा आना बाकी था बट वो बंदा वैसे तो दे ही नहीं रहा है, बट उससे अगर पैसे की रिकवरी करना है तो आई विल हैव टू स्यू ऑन हिम, मुझे उस पे केस फाइल करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, मुझे उस पे एक्शन लेनी पड़ेगी। तो एक्शन लेने के बाद जो मुझे क्लेम मिल सकता उसे आप एक्शनेबल क्लेम बोलते हो, बट उसे आप गुड्स नहीं बोलोगे। उसे भी गुड्स के डेफिनेशन से बाहर रखा गया है, ओके। तो गुड्स का अभी तक जो हमने डेफिनेशन देखा, तो वो डेफिनेशन ने हमें क्या क्या समझाया? गुड्स मीन्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स का मतलब होता है हर टाइप की आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी, ओके। इसका मतलब यहां पे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी सोगा में डील नहीं करेगी। सोगा में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई कहीं जिक्र नहीं होगा, ओके। अदर देन कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी छोड़ के? तो भाई आपका जो पैसा होता है, मनी होता है, उसको छोड़ दो, एक्शनेबल क्लेम को भी छोड़ दो। ये दो को छोड़ के जो भी आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी रहेंगी उसे आप लोग गुड्स मानने लग जाओगे, ओके। तो जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है अदर देन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम वो आपके गुड्स बन जाएंगे, ओके। और गुड्स में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? ग्रोविंग क्रॉप्स इंक्लूड हो सकता है गुड्स के डेफिनेशन में, मतलब जो घास वगैरह एक खुले लैंड में आ जाती है तो इसे भी आप लोग गुड्स मान सकते हो। ग्रास जो आ जाती है, घास, इसे भी गुड्स मान सकते हो। या फिर थिंग्स अटैच टू अर्थ विच हैज टू बी सीवर्ड बिफोर द सेल और एग्रीमेंट टू सेल, मतलब कोई चीज जो आपके अर्थ पे अटैच्ड है और जिसे बेचने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? उसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। विच हैज टू बी सीवर्ड, सीवर्ड बोले तो उसे अलग करना पड़ेगा। कोई चीज है, कोई थिंग है जो अटैच्ड कहां पे बताना? अर्थ पे। और इट हैज टू बी सीवर्ड, इसे अलग करना पड़ेगा बिफोर सेल और एग्रीमेंट टू सेल, सेल या एग्रीमेंट टू सेल के पहले उसे आपको साइड में निकालना पड़ेगा। तो बच्चों ये ऐसे भी जो भी चीजें होंगी उसे भी आप लोग गुड्स बोलोगे, ओके। तो ग्रोइंग क्रॉप्स को गुड्स बोलते क्या? हाँ जी बोलते। ग्रास को गुड्स बोलते क्या? हाँ जी बोलते। कोई चीज जो अटैच टू अर्थ है उसे गुड्स बोलते क्या? हाँ जी उसे भी गुड्स बोलते हैं। अगर उसे सीवर्ड करना पड़ रहा होगा, मतलब उसे सेपरेट करना पड़ रहा होगा आपको उस अर्थ से, तो जाके उसे आप लोग गुड्स बोलने वाले हो। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, ये एक लैंड है और इस लैंड पे मैंने सैंडलवुड लगाया हुआ है, ओके। सैंडलवुड, अब आपको पता होगा सैंडलवुड का मीनिंग क्या होता है ना? चंदन बोलते हैं उसको हिंदी में। तो बेटा ये स्मेल करता है, अच्छी स्मेल आती है इसमें से, आपको पता है सेंट आती है इसमें से। इसकी एक्चुअल में लकड़ियां होती है, ओके, वुड होते हैं इसके। तो आपको जब भी इसे बेचना है तो ऐसा नहीं कि ऊपर का पार्ट तोड़ दिया बेच दिया, ऊपर का पार्ट तोड़ दिया बेच दिया, ऐसा नहीं होता है। जब भी इसे सेल करना पड़ता है तो इसे उखाड़ना पड़ता है, ओके, जमीन से अलग करना पड़ता है, सीवर करना पड़ता है। तो ये जो चीज होगी इसे भी आप लोग गुड्स बोलोगे। तो ये जो सैंडल गुड्स रहेंगी दे विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज वॉट? योर गुड्स, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ योर गुड्स विच इज गिवन अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 7, ओके। तो क्या मीनिंग देके रखा हुआ है गुड्स का?
तो सबसे पहले बोला गया है गुड्स मीन्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी टाइप की मूवेबल प्रॉपर्टी, अदर देन क्या छोड़ के, मनी एंड एक्शनेबल क्लेम, पैसा और एक्शनेबल क्लेम को छोड़ के, ओके। इंक्लूडिंग, क्या इंक्लूड होता है इसमें, ग्रोविंग क्रॉप्स इंक्लूड होती है, ओके, ग्रास इंक्लूड होती है, घास को भी गुड्स बोल सकते हो अगर आप बेच रहे हो तो, या फिर कोई चीज जो अटैच टू अर्थ है उसे भी आप लोग क्या बोल सकते हो, गुड्स बोल सकते हो, विच हैज टू बी सीवर्ड बिफोर सेल और एग्रीमेंट टू सेल, मतलब सेल या एग्रीमेंट टू सेल करने के पहले जिसे आपको अलग करना पड़ता है, तो वो भी आपके गुड्स के कैटेगरी में आएगा, ओके। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द डेफिनेशन का पार्ट अप टिल नाउ, ओके। तो हम लोगों ने ये सारे डेफिनेशन देखी, एक बार हम लोग मॉड्यूल से भी रीड आउट कर लेते हैं, ओके। चलो देखते हैं, गुड्स एंड अदर रिलेटेड टर्म्स। गुड्स, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स का मतलब होता है कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, अदर देन क्या छोड़ के, एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, एक्शनेबल क्लेम और पैसे को छोड़ के, एंड इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स, इसमें स्टॉक एंड शेयर्स भी आते हैं, एक चीज आप लोग ऐड कर लेना, स्टॉक एंड शेयर्स भी इसके अंदर आते हैं। बेटा शेयर तो आपको पता ही है, और स्टॉक किसको बोलते हैं, बंच ऑफ शेयर को बोलते हैं स्टॉक, बंडल ऑफ शेयर्स को बोलते हैं स्टॉक, ओके। तो ये भी गुड्स के अंदर आ जाएगा, ग्रोइंग क्रॉप्स भी आएगी, ग्रास भी आएगी, और थिंग्स अटैच टू अर्थ विच आर एग्रीड टू बी सीवर्ड बिफोर सेल और अंडर कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल को एग्रीमेंट टू सेल भी बोला जा सकता है। तो मोर और लेस वैसी डेफिनेशन है जैसे मैंने आपको बता चुका था। तो ये हो गया आपका गुड्स का डेफिनेशन, ओके। दिस इज अ वाइडर डेफिनेशन देन कंटेंट इन इंग्लिश लॉ, हमारे इंडिया के लॉ के डेफिनेशन वाइडर है इंग्लिश लॉ से। इंग्लिश लॉ में स्टॉक एंड शेयर को गुड्स नहीं माना जाता, ये जो हमने यहाँ पे स्टॉक एंड शेयर को गुड्स माना है वो इंग्लिश लॉ में उसे नहीं मानते। आप इंग्लिश लॉ को याद मत रखो भाई, आपको हमारे इंडिया के लॉ को ही जानना पड़ेगा, ओके। उसके बाद क्या बोला, एक्शनेबल क्लेम्स का मीनिंग क्या है, क्योंकि वहां पे आया था एक्शनेबल क्लेम, तो उसका मीनिंग यहां पे दिया है, एक्शनेबल क्लेम्स आर द क्लेम्स विच कैन बी इन्फोर्स्ड ओनली बाय एन एक्शन और सूट, मतलब ऐसे क्लेम जिसे आप एनफोर्स करा सकते हो, जिससे आप वसूली कर सकते हो सिर्फ कोई एक्शन से, सिर्फ कोई केस वेस फाइल करके, ओके। अ डेब्ट इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी और गुड्स, डेब्ट वैसे तो गुड्स नहीं होते, इवन FDR फिक्स्ड डिपॉजिट आर कंसिडर्ड एज गुड्स, गुड्स को FD को भी गुड्स माना जाता है, ये चीज आप लोग याद रखना, एक्शनेबल क्लेम को नहीं माना जाएगा, बट आपके पास अगर FD होगी तो इसे भी गुड्स माना जाता है, ओके। तो ये चीज आप लोग अच्छे से याद रखना। गुड्स को इन्होंने डायग्रामेटिकली भी यहां पर प्रेजेंट करके दिया गया, क्या दिया है देखो, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ओके। तो हर टाइप की जो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी वो आपकी क्या होती है बताना, गुड्स होगी, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसे आप एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हो, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गई, ओके, पेन पेंसिल हो गई, ये सब क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो ये सब आपके क्या रहेंगे, गुड्स। अदर देन क्या नहीं आएगा, एक्शनेबल क्लेम नहीं आएगा, मतलब ऐसा पैसा जो हमें मिल तो सकता है बट उसके लिए सूट करना पड़ेगा, केस डालना पड़ेगा वो, और मनी इन सर्कुलेशन, ये भी गुड्स नहीं होते। बट क्या क्या गुड्स हो सकते बच्चों, स्टॉक एंड शेयर्स गुड्स हो सकते, ग्रोइंग क्रॉप्स हो सकते, ग्रास हो सकती, या फिर जो चीजें अटैच्ड है लैंड को जिसे सीवर करना पड़ेगा, तो वो भी आपके गुड्स के अंदर आ जाते हैं, ओके। तो दिस वॉज ऑल अबाउट अप टिल नाउ, तो हमने इतना डेफिनेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे देख रखा है। अब नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग देखेंगे बच्चों, तो इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स देखेंगे, डिलीवरी के टाइप्स देखेंगे, और ऑलमोस्ट फिर ये जो चैप्टर रहेगा आपका, तो ये ओवर होने के कगार पे पहुंच जाएगा, बिकॉज इफ यू सी दैट कोई बहुत बड़ा आपका ये यूनिट नहीं होता है, इसमें हार्डली 10-10 पेजेस के ही आपके यूनिट्स है, तो ये सिंपल है, आसान है, और फटाफट निपटने जैसा ये यूनिट है, ओके। तो बस आप लोग अच्छे से जितना हुआ उतना प्रिपेयर करो, रीड आउट करो, लर्न कर लो, दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, ओके। थैंक यू।